हाँ जी दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है देखो आज हम यहाँ पे हिंदी के प्रश्न को लेके आए हैं और ये प्रश्न जो रहेगी पूरे बुक से रहने वाली है मतलब कंप्लीट पूरे के पूरे बुक से और हिंदी ग्रामर और साथ ही साथ आपका हिंदी का पूरा बुक चाहे वो गद्य खंड हो चाहे वो प्य खंड हो सौ क्वेश्चन रहने वाली है कंप्लीट हम लोग का एक तरीके से सब कुछ कंप्लीट है तो यहाँ पे हम लोग सौ प्रश्न को कर सकते हैं तो चलो यहाँ पे एक एक प्रश्न अच्छे से करते हैं सारे लोग है ना और यहाँ पे वी प्रश्न एक तरीके से ऐसे प्रश्न यहाँ पे है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक से लिया गया मेनली ठीक है तो आज चलिए इसको शुरू करते हैं और इसके सारे प्रश्न को आप सभी लोग याद करिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से ऑलरेडी से याद होंगे क्योंकि हम लोग एक तरीके से जो आप बोले जो अगर बोले वी वी क्वेश्चन तो उसमें आपको ऑब्वियस बात है आप अभी तक तैयारी किए हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी से पढ़ चुके होंगे आपको याद भी होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको uh, कुछ डाउट होगी तो वो सब आज क्लियर हो जाएगी और मेनली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे आज कर लोगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं क्या ये क्लास के लिए हम देखे थे काफ़ी लोग वेट कर रहे थे मेरे क्लास स्टार्ट होने से पहले से ही है ना और अब क्लास शुरू हो गई है अब जितने भी सारे लोग आ चुके हैं क्लास में एक बार फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए है ना एक बार सभी लोग है ना जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए और फिर हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे ठीक है एक बार फटाफट सभी लोग शेयर कर लीजिए अपने और सारे दोस्त वगैरह को क्लास से जोड़ लीजिए है ना जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं जहां कहीं भी उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे शुरू एक मिनट का समय देते हैं एक मिनट में आप लोग की क्लास हो जाएगी जी शुरू ठीक है तो फटाफट एक बार शेयर कर लीजिए एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर लीजिए है ना और आज हम लोग को कितना आज देखो आज पढ़ने वाला दिन नहीं है तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो हमको पता है लेकिन फिर भी आज हम चाहते हैं मिनिमम आज पाँच हज़ार बच्चे रहना चाहिए क्लास में क्या जी आज हम जानते हैं कि पढ़ने वाला दिन नहीं है तुम लोग आराम से रेस्ट कर रहे हो कहोगे भैया कहाँ से आप क्लास लगा दिए लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं ठीक है कि आप लोग का त्यार ही रहे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम जल्दी से लाएंगे है ना मतलब मे भी ऐसा समझो कहीं कल ला दें है ना जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है आपका व्याख्या आपका एक्सप्लेनेशन वो सब चीजें जो अभी बाकी है अब लास्ट समय पर वही सारे चीज़ हम करवाएंगे ठीक है तो शुरू करते हैं ठीक है तो आज अपना ये टारगेट कंप्लीट कर लेना सभी लोग मिलके जल्दी जल्दी शेयर वगैरह करके आज तो ये ये तो मेरा क्लास है एकदम से कंप्लीट कर लोगे ना मतलब ऑब्वियस सी बात है अभी तक जितना दिन बोले हैं सब दिन तो पूरा कर लियो आज देखते हैं फिर हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे ठीक है चलो जी अपने पास आधा आधा स्टूडेंट हो चुके हैं आधा और पुराना है एक बार शेयर कर लीजिए लाइक कर लीजिए और अब शुरू करते हैं ठीक है चलो पहला सवाल से हम लोग देखते हैं आप लोग अपना अपना बच्चे जुड़ते जाएंगे चलो पहला सवाल शुरू करते हैं देखना यहां पे सवाल देखना और फटाफट उसका आंसर देते चलना आप लोग ठीक है चलो जी पहला सवाल देखो आसान सा सवाल है पहला सवाल अपने पास क्या है चलो जी एकदम फटाफट हम लोग को देखते हुए चलना है ना चलो दिनकर किस युग के कवि हैं दिनकर जी जो है वो किस युग के कवि हैं पूछा जा रहा है दिनकर जी किस युग के कवि हैं तो दिनकर जी हैं किस युग 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 के 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 तो छाया बाद उत्तर UK. किस कवि 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 हैं हैं दिनकर दिनकर जी जी ऑप्शन अपने लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हैं अगला सवाल है जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वो पुरुष डैश है ठीक है जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वो क्या है जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वो क्या है जी जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वो संपूर्ण है नहीं वो जो है अपूर्ण है क्या है वो अपूर्ण है वो पुरुष पूरा ही नहीं है

बाकी रहे और सिर्फ दो हजार स्टूडेंट अभी चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं कर, आ, की कौन सी नहीं है रूप है इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था आपको पता होगा सिमरिया के बेगूसराय में और मिट्टी की और अर्धनारेश्वर और संस्कृति के चार अध्याय ठीक है ये सब इन्हीं का है इवन संस्कृति के चार अध्याय पर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था कौन सा अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड ठीक है इनको इस पर भी मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको बोलो ठीक है और आषाढ़ का एक दिन किनका है तो ये तो मोहन राकेश जी का है ठीक है ये मोहन राकेश जी का है मोहन मोहन राकेश जी का रचना है उसके बाद देखो काव्य की भूमिका और शुद्ध कविता की खोज ये भी इन्हीं का है दिनकर जी का बट पीपल और दिनकर की रायरी ये भी दिनकर जी की है तो पूछा जा रहा है दिनकर जी की नहीं है गद्य कृतियां नहीं है तो ये देखो ना मोहन राकेश जी का आषाढ़ का दिन है ठीक है आषाढ़ का एक दिन ऑप्शन तो बी ऑप्शन नंबर अपने लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी क्लियर अगले सवाल भी बड़े चलो अगला सवाल पे आते हैं कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है मेला आंचल ऑबियस सी बात है मेला आंचल बता सकते हो मैला मेला आंचल बताओ किन की रचना है जल्दी से जवाब दो ठीक है मेला आंचल किन की रचना है जल्दी जल्दी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए हम पूछ रहे हैं यहां से बताओ मेला आंचल जो है किनकी रचना है जल्दी से बताओ अन, अ, अंतराल सईद मोहन राकेश जी का है ऐसे ही हम्म ऐसे ही है अभी चलो हम पहले सुनना चाहते हैं मेला आंचल अरे फटाफट अभी तक जवाब नहीं आया मेला आंचल किन की रचना है चलो कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ ही लोग को पता है और बाकी अपने पास यहाँ पे कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है तो सौ अजान एक सोजान ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा है ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है युद्ध और शांति के ऊपर शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है वो है अपने पास कुरुक्षेत्र क्या है जी आ, कुरु कुरुक्षेत्र ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल किसने कहा था भी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है बताओ ये सवाल इंपॉर्टेंट है और यहां पे बताइए अपने लोग का यहां पे इसका आंसर क्या होगी ठीक है इसका आंसर क्या हो, हो जाएगी कितने सारे स्टूडेंट अभी इस क्लास से जुड़ चुके हैं चलो जी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और अब बाकी है कितने स्टूडेंट और हम्म अब बाकी है सिर्फ और सिर्फ चौदह सौ स्टूडेंट ना अब सिर्फ और सिर्फ बाकी है चौदह सौ स्टूडेंट और बाकी है ठीक है जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर लेंगे तो और सारे लोगों के पास ये वीडियो रिकमेंड हो जाएगी और अपने आप सारे लोग जुड़ जाएंगे ठीक है तो सभी लोग एक बार ज्यादा कुछ नहीं लाइक कर लीजिए है ना और अगले सवाल पे चलते हैं अभी अभी हम लोग अभी बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ना है तो देखो किसने कहा था भी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है तो ये बोले थे कौन जवाहरलाल नेहरू कौन बोले थे जी जवाहरलाल नेहरू जी ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी फ्री प्रेस के मालिक कौन थे फ्री प्रेस के मालिक कौन थे तो फ्री प्रेस के मालिक थे अपने पास सदानंद जी कौन थे जी सदानंद जी कौन थे सदानंद जी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर चलो जी आगे बढ़ते हैं जय जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था जयप्रकाश नारायण वही हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति ठीक है ये जो है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिए थे संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण ये दिए थे कहां पे दिए थे पटना के गांधी मैदान में कहां पे दिए थे जी गांधी मैदान में दिए थे मैदान गांधी मैदान में कब दिए थे उन्नीस में ना ठीक है तो ये सब आपको पता है ना और इनकी पत्नी जी का नाम जो है प्रभावती देवी है क्या है प्रभावती देवी ऑप्शन नंबर अपने पास सी करेक्ट आंसर और यहाँ पे जवाब आ भी रहा है इसका है ना बहुत सही आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे बढ़ते हैं नाइन और क्वेश्चन देखिए रामधारी दिनकर जी का निधन आ, कब हुआ था तो निधन इनका हुआ था ऑप्शन नंबर सी चौबीस अप्रैल उन्नीस ठीक है माटी की मूर्ति रचना किसी है माटी की मूर्ति तो एक पहले ना रिरिष बेनीपुरी जी के बारे में हम लोग पढ़ाते भी थे पचास मार्क्स हिंदी जब हुआ करता था बहुत पहले आप लोग के बहुत सीनियर वगैरह जो होंगे वो लोग पढ़ते थे ठीक है तो राम बिरिश बेनीपुरी जी की है माटी की मूर्ति रचना है ये संपूर्ण क्रांति में जो है ना जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि आज हमारे पास राम बिरिश बेनीपुरी जी नहीं है आज हमारे पास दिनकर जी नहीं है वो बोलते हैं संपूर्ण क्रांति में भाषण के दौरान वो बोलते हैं कौन जयप्रकाश नारायण जी ठीक है तो राम बृजपुरी जी का है ये माटी की मूर्ति ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अशोक वाजपेयी के किस पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था अशोक वाजपेयी जी इस समय से किसका संपादन किए थे तो वो किए थे पूर्व ग्रह का किसका संपादन किए थे जी पूर्व ग्रह का संपादन किए थे क्लियर तो ये सब चीजें आप लगातार याद करते हुए चलिए ठीक है ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी आप लोग लगातार याद करते हुए चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे ठीक है वो स्कूल में जाते थे और उनके हेड UH मास्टर थे ठीक है हेड मास्टर थे और हेड मास्टर का क्या नाम था पता है वही कली ठीक है कली ठीक है ये कली, कली नाम था और ये हेड मास्टर क्या करता था ये जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से झाड़ू जो होता है ठीक है झाड़ू लगवाता था ये ठीक है पूरा फील्ड में एकदम झाड़ू लगवाता था ये दलित समुदाय से बिलोंग करते थे ये ठीक है तो हेडमास्टर जो है ना झाड़ू इनसे लगवाता था ठीक है और उसके बाद क्या होता है कि मतलब हेडमास्टर जी बार बार इसे झाड़ू लगवाता है लेकिन झाड़ू लगाते हुए ना इनके पिताजी भी देख लेते हैं एक बार तो वही अ, मतलब अक्सर ये इनके पिताजी जो है प्यार से मुंशी जी मुंशी जी कहते हैं उस समय भी बात आती है कि मतलब मुंशी जी को मतलब झाड़ू लगाते हुए देखे ठीक है तो एक सवाल तो आपको यहाँ पे बता दिए कि स्कूल में झाड़ू कौन लगवाता था कलीराम हेडमास्टर का नाम क्या था कलीराम नाम था ठीक है उसके बाद वो क्या करता था झाड़ू लगवाता था उसके बाद आपको बताया उनके पिताजी प्यार से मुंशी कहते थे ठीक है दलित समुदाय से बिलोंग करते थे एक सवाल में कई सारे सवाल का आंसर आपको बता दिए ठीक है आगे बढ़ते हैं विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कृति पर मनी कॉल ने फिल्म बनाई थी ठीक है कौन सी कृति पर मनी कॉल ने फिल्म बनाई थी तो नौकर की कमीज कहां है ऑप्शन और सी में ठीक है नौकर की कमीज पे मनी कॉल ने फिल्म बनाई थी विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है जी ठीक है तो कमाइनी के हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद लेकिन कमाइनी एक पुनर्विचार है यह भी ध्यान रखिए तो कमाइनी एक पुनर्विचार की जो रचनाकार है, है वो है मुक्तिबोध गजानंद माधव मुक्तिबोध जी है ना ऑप्शन नंबर हम लोग का यहां पे हो जाएगी सी राइट आंसर क्लियर चौदह नंबर क्वेश्चन राइट आंसर चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे आते हैं पंद्रह नंबर सवाल कभी का स्त्रीलिंग रूप क्या है कभी का स्त्रीलिंग रूप है ना कभी का स्त्रीलिंग रूप क्या है तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री क्या हो जाएगी जी कवित्री अब देखो ग्रामर का भी सवाल आना शुरू हो गया ठीक है अब ग्रामर के कई सारे सवाल अब आपको देखने को लगातार आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो ग्रामर के सवाल से एकदम डरना नहीं है हर ग्रामर के सवाल हर हिंदी व्याकरण के सवाल को एकदम से समझ समझ के बनाते चलना है ठीक है इसका स्त्रीलिंग रूप बोला मात्र जा रहा है बस मेल को फीमेल में करना है बस वही चीजें हैं ठीक है तो कवित्री हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं घुटना टेकना ठीक है घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ठीक है घुटना टेकना का अर्थ होता है ना कि भाई हम घुटने टेक दिए मतलब हम उसके सामने क्या किए हार हार मान ली है ठीक है? तो हार मानना को कहते हैं घुटने टेक देना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक है चलो आगे बढ़े चलो जी आगे बढ़े अगले सवाल पे चले चलो चलते हैं अगले सवाल पे लेकिन अभी देखो मात्र एक हजार स्टूडेंट और बाकी है पांच हजार अपने को कंप्लीट होने में तो कितना समय अब लगाओगे एक बार शेयर कर लो सब लोग है ना हमको लगता है एक बार तुम लोग मिलकर शेयर करोगे आराम से एक हज़ार बच्चे और अपना जोड़ लोगे क्लास से अपना टारगेट भी कंप्लीट आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे भी व्याकरण के सवाल को देखेंगे क्या जी हम लोग सब लोग अगर मिल के पाँच हजार रेस्टोरेंट कम्प्लीट करेंगे क्या हम लोग तो कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं एक बार तो आप लोग दस हज़ार का भी रिकॉर्ड ऑलमोस्ट कम्प्लीट किए हैं अब उसके बाद अगर बात करें अगर हम लोग छोटा सा एक टारगेट रखेंगे वो नहीं कंप्लीट अगर हम लोग कर पाएंगे तो भाई ना तो इसलिए जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर लीजिए और ये छोटा सा रिकॉर्ड है इसको फटाफट एक मिनट में खत्म कर लीजिए है ना और सारे जो फ्रेंड वगैरह हैं उन सभी को बोलिए कि आ जाएं और आगे बढ़ेंगे ठीक है देखो हिंदी व्याकरण से ना मतलब सवाल रहती है और हिंदी व्याकरण में कुछ कुछ टॉपिक अगर आपको लोग कर लोगे जैसे कि आपके आपको अगर हिंदी व्याकरण में बताए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ठीक है तो वो है जैसे समास आप कर लोगे ठीक है समास आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है उसके बाद आप संधि वाला टॉपिक आप निश्चित रूप से कर लेना संधि वाला टॉपिक और संधि वाला में आसान भी रहता है मतलब जो पूछा जाता है मिली वो आसान आसान पूछा जाता है ठीक है तो ये हो गया उसके बाद अगर बात करें आपको जो मेन पढ़ना पढ़ना जो रहेगा वो आपको प्रत्यय पढ़ लेना ठीक है बहुत आसान होता है प्रत्यय उसके बाद आसान जो होता है उपसर्ग ठीक है उपसर्ग ये कुछ चार जो है ना बहुत जरूरी है ये इससे मोस्टली सवाल इससे रहते हैं उसके बाद बाकी बात करोगे तो मुहावरा वो सब चीजें हैं लेकिन ये चार जो है ना मस्त आपको कर लेना चाहिए ठीक है ये आपको मस्ट है कि कर लेना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पे मुक्ति बोध हो जाएगा कमाइनी एक पुनर्विचार है जी कमाइनी एक पुनर्विचार ठीक है कमाइनी नहीं है ठीक है आगे बढ़े ठीक है बहुत सारे लोग कमाइनी कामाय इसलिए कंफ्यूजन में हो आ, याद किए के रचनाकार कौन है तो जयशंकर प्रसाद जी अरे बाबू यहाँ पे कामाय एक पुनर्विचार है तो इसके रचनाकार है मुक्ति बोध जी ठीक है इसके रचनाकार है मुक्ति बोध कामाय रहता तब हम भी यहाँ पे आपका याद किया हुआ जयशंकर प्रसाद टिक करते ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे बढ़ते हैं जी चुराना का अर्थ क्या है जी चुराना का अर्थ क्या हो जाएगा जी चुराने का अर्थ हो जाएगा दिल चुरा लेना नहीं किसी काम से भागना ये भी दिल हर लेना प्यार हो जाना नहीं किसी काम से भागना जी चुराना का मतलब किसी काम से भागना होता है नहीं कि भाई जी चुराते हैं पढ़ने से किसी काम से भाग भागने के लिए या फिर कोई भी काम से जी चुराना मतलब उस चीज से पीछा चुराना उस काम से अपना मन हटाना गुदरी का लाल का अर्थ क्या है भाई गुदरी का लाल का अर्थ क्या है गुदरी का मतलब होता फटे है फटेहाल है ना उसका लाल यानी उसका बेटा तो गुदरी का लाल मतलब गरीब का बेटा लेकिन वैसा बेटा जो बहुत होनहार हो है ना तो भाई गुदरी का लाल बन बनना कोई गलत नहीं है, है ना गुदरी का लाल है तो ठीक है लेकिन मतलब वही गुण होना चाहिए गुदरी का लाल वाला है ना मतलब एक तरीके से गरीब परिवार में एक तरीके से बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति या कोई भी बहुत ही ज्यादा एक तरीके से पढ़ने वाला एक तरीके से बहुत ज्यादा तेज बच्चा है ना गुनी का जन्म होना ठीक है निर्धन परिवार में गरीब परिवार में उसको कहते हैं गुदरी का लाल आगे बढ़ते हैं हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कहते हैं ना कि रोज रोज सनम तुम तो ऐसे करोगे हम जो उठ जाएंगे तो हाथ मलोगे तो यहां पे हाथ मलना क्या था हाथ मलना मतलब पस्ताना क्या तो यहां पे पस्ताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपने लोग का डी करेक्ट आंसर क्या जी उन्नीस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आगे बढ़ते हैं चलो जी बीस नंबर सवाल पे आते हैं छठी का दूध याद आना ठीक है उसको तो मार के छट्टी का दूध याद दिला दिए या फिर उसको तो अपना वो काम इतना ज्यादा उसको टफ लगा कि उसको छट्टी का दूध याद आ गया मतलब अत्यधिक कठिन होना ठीक है हॉक्स नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी क्लियर आगे बढ़े जी आगे बढ़े चलो अगले सवाल पे चलते हैं और इक्कीस नंबर सवाल पे आते हैं उसने कहा था कहानी पर फिल्म कौन बनाए नहीं पता है ना ठीक है नहीं पता है ना चलो आज याद हो जाएगा इस सवाल का आंसर अभी बताओ हमें उम्मीद है कुछ बच्चे जरूर बता सकते हैं ठीक है कुछ स्टूडेंट जरूर से इसका आंसर भी बता सकते हैं फटाफट ये सवाल हम ब, आ, बना के लाए हैं एक्चुअली आपकी बुक में लाइन है और आजकल आपका बोर्ड क्या कर रहा है ना अंदर से क्वेश्चन पूछता है तो हम कहने अंदर का भी क्वेश्चन उठाएंगे हम खुद से बनाएंगे हम ठीक है और वो आपसे करवाएंगे हम ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा उसने कहा था कहानी पर फिल्म कौन बनाए? तो बिमल राय जी ठीक है नौकर के कमीज़ पर तो मनी कॉल बनाए थे ठीक है? नौकर की कमीज पे मनी कॉल जी बनाए थे ठीक है और ये करण जो हर तो हटाई दो ठीक है ये तो हटाई दो ऑप्शन और अपने पास ए करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने ठीक है या लेलिन की मृत्यु कब हुई दोनों एक दिन का है ठीक है दोनों एक ही वर्ष का है तो वही दोनों का है 1924 सौ के लेलिन और जयप्रकाश मा... जी मार्क्सवादी जो बने थे 1924 में आगे बढ़ते हैं थे जी क्या थे गीतकार थे एक फिल्मकार थे एक संगीतकार थे नहीं कथाकार थे प्रेमचंद्र जी क्या जी एक कथाकार थे क्या थे एक कथाकार थे।, थे? थे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे आते हैं अगला सवाल अपने पास है अर्धनाश्वर कल्पित रूप है अर्धनाश्वर जो है कल्पना किया गया रूप है किसका अर्धनाश्वर कल्पना किया गया रूप है किसका जी शिव और पार्वती का राम और सीता का राधा और कृष्ण का या विष्णु और लक्ष्मी का बोलो अर्धनारेश्वर जो है कल्पित रूप है यानी कल्पना किया गया रूप है वो है शिव और पार्वती का किसका है शिव और पार्वती का कल्पना किया गया रूप है अर्धनारेश्वर जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी कल्पना किए थे ठीक है मतलब एक तरीके से इस स्त्री और पुरुष में, में समानता को वो दिखला रहे थे ठीक है स्त्री और पुरुष में समानता को दिखला रहे थे ठीक है आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलते हैं 25 नंबर सवाल पे अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है बताओ अति जोर रिक्त है ना तो यहां पे क्या आपको दिख रहा है अति जोर रिक्त ठीक है तो यहां पे रिक्त तो अपने मूल शब्द है और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है मतलब उपसर्ग वगैरह का ठीक है तो अति का यहां पे क्या है अति प्लस उपसर्ग तो यही अति जो है उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं वामता शब्द का अर्थ बताइए वामता का अर्थ क्या होता है मतलब बिल्कुल से विपरीत चलना ठीक है वामता का अर्थ होता है एक तरीके से विपरीतता ठीक है एकदम से विपरीत ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर अगय जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था अगय जी का है ना अगे जी का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंदयान अग्य ठीक है इनका जो जन्म हुआ था सात मार्च उन्नीस को ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों ने आम नहीं खाया रेखांकित कारक का नाम बताइए ठीक है आम नहीं खाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आम नहीं खाया था इसमें क्या कौन सा कारक है ठीक है तो कर्ता ने है ना कर्म को तो कर्ता कारक है ठीक है कर्ता कारक है जी ठीक है आगे बढ़ते हैं वह अपने वर्ग में सबसे तेज है इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है वह अपने वर्ग में सबसे जो है तेज है वह अपने वर्ग में सबसे तेज है तो अब देखो मैं जो है कौन सा कारक हो जाएगा में पर है ना तो यहां पे हो जाएगा कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर है ना अधिकरण कारक हो जाएगा कौन सा अधिकरण कारक में होता है ना मे पर कर्ता ने कर्म को करण से ये आप याद किए हो ना सब लोग ठीक है तो कारक वाला हम पढ़ाए हुए हैं वृक्ष पर पक्षी बैठा है तो यहां पे भी देखिए पर है ठीक है वृक्ष पर है ना तो अधिकरण में पर अधिकरण कारक में मे और पर ठीक है तो यहाँ पे अधिकरण कारक ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नदी के द्वीप किसकी रचना है बतलाइए जी अचानक से जज्बात बदल दिए आप व्याकरण के मूड में थे है ना और अब तुरंत से हम आपको बुक बुक का सवाल दे दिए बताओ नदी के किसकी रचना है ठीक है तो नदी के द्वीप अगे जी की रचना है अग्जी सच्चिदानंद ही अग् ठीक है अगे जी की रचना है ठीक है आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बढ़ते हैं पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया क्या चीज पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया क्या भाई देखो पुरुष तो एक तरीके से क्या बन गया वृक्ष बन गया अब ये इसका मतलब समझते हो ना तुम लोग ये वृक्ष है ठीक है और इसके ऊपर जो लता हुआ लत, न, लताएं वगैरह जो रहते हैं आप देखते होंगे मतलब लत्ती वगैरह जो एक्चुअली में हम ही गायब हो गए रुको हम आ गए ठीक है देखो बताओ हम खुद गायब हो जाते हैं ऐसे में तो तुम चलो देखो ये लता बन गई तो ये लता क्या होता है ये लता स्त्री बन गया ठीक है और पुरुष क्या बन गया पुरुष बन गया ये वृक्ष ठीक है ये बन गया पुरुष बन गया ठीक है ये पुरुष बन गया ये वृक्ष अब बताओ तो इसका क्या मतलब होता है कि पुरुष एकदम मजबूत बलशाली बन गया और ये कमजोर लता बन गई स्त्री ठीक है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया और नारी को उसने बना दिया लता ठीक है वो जान बुझ के पुरुष जो है इसको लता बना दिया पहले ठीक है उसी चीज को समानता दिखाते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है है ना दोनों सम दोनों अगर अपने आप में अ, मतलब वो जज्बा रखे तो दोनों बराबर हो सकती हैं ठीक है ठीके? कौन बताए रामधाकर जी बताए ठीक है, बता है और ये यहां पे लता ठीक है लता ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्लियर आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं बत्तीस नंबर क्वेश्चन के बाद तैतीस नंबर भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए भगत सिंह के जो पिताजी जो हैं वो कितनी बार जेल गए तो भगत सिंह जी के पिताजी जो हैं वो अधिका एकाधिक बार अ, बार बार एक बार अनेक बार तो अनेक बार है ना अनेक बार वो जेल गए भगत सिंह के पिताजी वो अनेक बार जेल गए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची है चांद चंद्रमा ठीक है चांद का पर्यायवाची आपको बताना है ठीक है चांद का पर्यायवाची आपको बतलानी है और अब कितने बाकी है जी फाइव हंड्रेड एस्टोरेंट क्या फाइव स्टूडेंट तुम लोग नहीं कंप्लीट करवाओगे हम चलो आगे बढ़ते हैं होप सो हो जाएगा है ना कर लोगे ना जी बोलो नहीं करेंगे सर निम्नलिखित में कौन सा शब्द चांद का पर्याय है मतलब पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द तो चांद का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्र क्या हो जाएगा चंद्र ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चांद का पर्यायवाची चंद्र आगे बढ़ते हैं फटाफट अगला सवाल को हम लोग देखते हैं यहां पे है, है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तलवार का पर्याय है तलवार का हो जाता है कृपान ठीक है तलवार का हो जाएगा कृपान परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी तो परंपराशील नाट्य पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने जगदीश चंद्र माथुर जी ने माथुर जी और कौन सा लिखे थे ओ सदानीरा कौन लिखे थे ओ सदानीरा ओ सदानीरा में किस नदी का बात किया गया था ठीक है ओ सदानीरा में किस नदी का बात किया गया था तो गंडक नदी का ठीक है गंडक नदी का बात किया गया किस क्षेत्र के बारे में बात किया गया था चंपारण क्षेत्र में चंपारण क्षेत्र के बारे में बात किया गया था ठीक है गांधी जी के कितने जगह आश्रम थे तीन जगह आश्रम थे बरहरवा बिथरवा और मधुबन ये तीन जगह गांधी जी का आश्रम विश्वविद्यालय थे याद है ना बरहरवा बिथरवा और मधुबन आगे बढ़ते हैं धांगर शब्द का अर्थ और क्या है धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर ठीक है क्या होता है भारे का मजदूर कहोगे भैया जवाब देने का तो समय दो ठीक है देंगे बिल्कुल देंगे ठीक है आगे का सवाल में देते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समय देंगे आगे बढ़ते हैं अड़तीस है मन कैसा ताल है बताओ मन जो है कैसा ताल है मन कैसा ताल है बताओ अब आप लोग को समय दिए मन कैसा ताल है मन जो है एक आ, गहरे और विशाल ताल है मन कैसा ताल है तो गहरे और विशाल ताल है अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल है पुत्री का पर्याय है पुत्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा ठीक है पुत्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा तो पुत्री का पर्यायवाची हो, हो जाएगा सुता है ना और पुत्र का तो सूत है ना पुत्री का सुता ठीक है चाप तो कहते हैं उसको नति धनुष को ना कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ब्राह्मण का पर्याय पर्यायवाची शब्द तो ब्राह्मण हम लोग कहते हैं किसको है। को, हम का एक हो जाएगी ठीक है ज्ञात का विलोम क्या, क्या हो जाएगी जाएगा तो ज्ञात का विलोम हो जाएगा अज्ञात उल्टा शब्द है ना तो ज्ञात का हो जाएगा अज्ञात आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हैं पुरस्कार तो कोई आपको हम आपके आके पुरस्कार देंगे ठीक है मतलब आपको एक तरीके से सम्मानित करेंगे अब आपको आके दंड देंगे ठीक है अगर आप पुरस्कार के लायक नहीं बनोगे तो दंड देंगे ठीक है तो यही दो चीज बनती है ना तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरस्कार या तो दंड ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन सा इसमें से है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है व्याकरण से अब ज्यादा सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है जो आपके लिए बहुत जरूरी है तो देखो मानवता भाववाचक है सहायता भाववाचक है जीवन भाववाचक है लेकिन परिवार देखो ये कौन सा भाव है? ये कौन सा है समूहवाचक है कौन सा है जी ये है समूहवाचक कौन सा है समूहवाचक है ठीक है समूहवाचक है परिवार तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है तो यहाँ पे पर परिवार ठीक है ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर देखो आज हम देख रहे हैं कि आज मतलब हम बोले हैं फिर भी देखिए क्या आज स्टूडेंट कम है सिंपल बात सोचो कि ऐसा होता है कि आज अभी एग्जाम में ऑलमोस्ट सोचो कि ऑलमोस्ट अब चौदह पंद्रह बाकी है तेरह दिन चौदह दिन अब इतना कम दिन अब बाकी है और तब जाके अगर मानो एक त्यौहार कोई आया एकदम से सब पढ़ाई लिखा एकदम से छोड़ दिए छोड़ जाने दो है ना नहीं हर हर पर्व मनाना है एकदम मनाना है ठीक है सब पर्व त्यौहार सब देखो लेकिन वहाँ पे पढ़ाई भी देखो कि भाई हमारा तेरह चौदह दिन बाकी है आज हम भी तो रेस्ट कर सकते थे हम भी तो आराम से जाके सो सकते थे है ना तो यहाँ पे हम पहुँचे ताकि ये चौदह तेरह दिन जो बाकी है इसमें आपको अच्छा तैयारी करवा दे जो जो चीज़ें बाकी है वो सब चीज़ें अच्छे से करवाएं ठीक है बीच बीच में अभी आपको प्रैक्टिस अगर ये सब हम छोड़वा दें ना तो पता चलेगा बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे अभी इसमें से जो बिल्कुल भी बुक नहीं देखते होंगे किताब नहीं देखते होंगे हिंदी वगैरह का है ना कह रहे ऑब्जेक्टिव वगैरह तैयारी कर लिए बीच बीच में हम ला देते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह का सेशन कि आप लोग एक तरीके से याद रहे सब चीज़ें है ना लेकिन ये सब चीजें अभी देखो अभी छब्बीस जनवरी भी आएगा बीच में अभी और सारा अगर कुछ आता है ठीक है अभी तो हमें याद नहीं है ठीक है चलो तो ये अरे पुरस्कार का दंड होगा ठीक है विलोम शब्द है उल्टा शब्द पुरस्कार का दंड होगा इसमें गलत क्या है ठीक है सब सही है ठीक है भरोसा रखो आगे देखो तो सिंपल अभी छब्बीस जनवरी आएगा अभी कुछ भी आएगा ठीक है हर पर्व त्यौहार तो हर एक कुछ मनाना है लेकिन अपना समय याद रखो कि भाई जो चीज में जितना समय अभी जाना चाहिए अभी उतना ही ले जाना है ठीक है तो सिंपल वो चीज आप ध्यान में रखिए ठीक है और आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं सफल का भाववाचक है सफल का भाववाचक हो जाएगा क्या चीज असफल सफल है ना सफलता सफलता भाववाचक संज्ञा है ठीक है आगे बढ़ते हैं इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है ठीक है मोहन राकेश की कृति कौन सी है तो मोहन राकेश जी का तो इसमें क्या हो जाएगा बहती गंगा कोसी का घटावर और जानवर और जानवर तो जानवर और जानवर यहां पे हो जाएगा ठीक है जानवर और जानवर मोहन राकेश जी की है ठीक है रचना ऑप्शन नंबर अपने लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी क्या हो जाएगी बी करेक्ट आंसर हो जाएगी क्या हो जाएगी बी करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अगला दिन अगला सवाल पे बढ़ते हैं मुन्नी को कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी तो धनो चली जाएगी ठीक है अगर यही सवाल आता कि किसकी मोती तारों की तरह चमकती है तो तारों की मोती तारों की तरह चमकती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे बढ़ते हैं सिपाही की माँ कौन की रचना विद्या है सिपाही की माँ बेसिकली कौन सी विद्या है की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है तो सिपाही की माँ क्या है भाई निबंध है एकांकी एक है कहानी है क्या है तो सिपाही की माँ एक है एकांकी एक क्या है एक एकांकी एक जो कि कौन लिखे हैं मोहन राकेश जी ठीक है मोहन राकेश जी लिखे हैं मोहन राकेश जी ठीक है ये लिखे हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तुलसीदास के रचयिता कौन है तुलसीदास जी के रचयिता कौन है बताओ तुलसीदास जी के रचयिता कौन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुलसीदास जी क्या रचयता हो जाएंगे अपने पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हाँ निराला जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर देखो तुलसीदास जी ना हम जानते हैं आप एक कवि के बारे में सोच रहे होंगे लेकिन देखो तुलसीदास जी का एक मतलब एक तुलसीदास जी एक रचना का नाम भी है ठीक है जैसे उसने कहा था एक नाम है ना रचना का तो वैसे ही तुलसीदास एक रचना का भी नाम है जिसके जिसके जो है रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आगे बढ़ते हैं नामबर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक कब से संपाद, का संपादन का कार्य संभाला तो उन्नीस से कब से उन्नीस से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं बताओ जी संज्ञा के कुल मिला के अपने पास पांच पहला दूसरा है ना व्यक्तिवाचक भाववाचक है ना हो नाग सीधा सर एकदम शुरू से स्टार्ट के अंतिम में पहुंचा दिए नहीं <laughs> पांच प्रकार होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आपको पता है ना व्यक्तिवाचक समूहवाचक द्रव्यवाचक है ना उसके बाद आपका क्या हो गया भाववाचक ठीक है तो आपका व्यक्तिवाचक ठीक है आपको हम सब लिख देते हैं जातिवाचक ठीक है जातिवाचक उसके बाद आपका हो गया समूहवाचक क्या हो जाएगा समूह ठीक है समूहवाचक ठीक है उसके बाद आपका हो गया द्रव्यवाचक ठीक है द्रव्यवाचक उसके बाद हो गया आपका भाववाचक ठीक है यही पांच प्रकार होते हैं आपका आधुनिक तरीके वाला नहीं पूछता वो तीन प्रकार यही पूछता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले को हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग समूह का बोध जब भी आप देखें ना तो समूह का बोध होता है समूह वाचक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर एक बच्चा को देख रहे बार बार वो कमेंट करते जा रहे हैं ठीक है बार बार वो कमेंट करते जा रहे हैं कि भैया आप झूठ बोले कि इंग्लिश का पीडीएफ हम देंगे वो फ्री क्लास में वो पी में उसमें हम लोग बोले भी थे कि भाई दस स्टूडेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम देंगे उसने नहीं हुआ था ये भी आप ध्यान में रखो ठीक है तो जिस दिन जो बोल देते हैं वो कंप्लीट होने पे एकदम से वो हम देते ही है 100% ठीक है जैसे हिंदी में कंप्लीट हुआ हिंदी का सारा पीडीएफ हम एकदम से अच्छे से वो दे दिए ना पीवाईक्यू ठीक है न, और आज भी अपना कंप्लीट होगा हम दे ही देंगे आज भी हम ये सौ क्वेश्चन का दे ही देंगे ठीक है क्या ही दिक्कत है चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल तो तो आगे बढ़ते हैं तिरपन नंबर दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं दलित साहित्य के सौंदर्य साहित शास्त्र के, शास के लेखक कौन है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र तो दलित जब भी आप सब देखोगे तो आपको याद आना चाहिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को सताया गया था क्योंकि वो दलित थे और उनको स्कूल वगैरह में झाड़ू भी लगवाया जा रहा था ठीक है ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं चौबन नंबर सवाल ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म याद रखना 1950 में कब 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था रात्रि का पर्याय क्या है रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा तो रात्रि को हम लोग कहते हैं निशा क्या कहते हैं निशा

चलो जी अगला सवाल पे बढ़ते हैं सुरक्षा कहाँ हो सकती है तो सुरक्षा हो सकती है चुनौती को झेलने में कहाँ हो सकती है चुनौती को झेलने में सुरक्षा जो हो सकती है घर के भीतर बैठने में नहीं चुनौती को झेलने में आप सुरक्षित कब महसूस कर सकते हो अपने परीक्षा से जब आप अच्छा से तैयारी कर लोगे तो आप सुरक्षित महसूस करोगे ना कि भाई इसे क्यों है हमारा मार्क्स हम फेल थोड़ी करेंगे हमें हमको मार और बात थोड़ी सुनना है ठीक है और हंसते हुए मेरा अकलापन के लेखक हैं हंसते हुए मेरा अकलापन मल्य जी है ना जी बेचारे बहुत ऊपर ऊपर से खुश अंदर अंदर बहुत दुखी वो थे ठीक है तो ये हो गई ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं मलिया किस रोग से ग्रसित थे ठीक है तो जी जो है ना छह रोग से ग्रसित थे अब मलिय जी ना बहुत अच्छा इसमें अपने प्यार अपने जो है ना हंसते हुए मेरा क्लाबन में बहुत तगड़ा तगड़ा से बात किए हैं जैसे कि होता है ना कि मतलब आपके परिवार में कोई लोग बाहर गए और रात होने को है और फिर भी वो घर नहीं लौटे आपको उनसे बातचीत नहीं हो रही है कि भाई फ़ोन पे या किसी चीज़ों पर तो आपको आपके मन में कितना डर आपको मन में क्या अनहोनी का असन, मतलब शंका होते रहता है कुछ हो गया होगा क्या हो गया होगा बस आ जाए है ना ये सब मन में चलता रहता है वो सब बात मलियत जी करते हैं ठीक है ये सब चीजें बहुत कॉमन कॉमन चीजें हैं जैसे आपके परिवार में कोई लोग बीमार पड़ जाते हैं तो आपके अंदर कितना डर हो जाता है डर फैला रहता है कि बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए है ना तो ये सब चीजों के बारे में बात ये करते हैं मल्य जी अपने उस डायरी में ठीक है हंसते हुए मेरा कलापन में आगे बढ़ते हैं कौन सी रचना मल्यज की है जी की इसमें से कौन सी रचना आपको दिख रही है तो मल्य जी का रचना है अपने पास ऑप्शन नंबर सी कविता के साक्षात्कार ठीक है मैं कौन सा मैं कौन सा पुरुष है ठीक है ये मैं जो है कौन सा पुरुष है ठीक है कौन सा पुरुष हो जाएगा तो मैं जो है उत्तम पुरुष हो जाएगा ठीक है उत्तम पुरुष आगे बढ़ते हैं चवर का उच्चारण स्थान क्या है चवर का उच्चारण स्थान चौ छ जो 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 है ना इसको हम लोग क्या कहेंगे चवर का उच्चारण स्थान तालु होता है क्या होता है तालु होता है चवर का उच्चारण स्थान तालु होता है ठीक है चौ छ बोल के देखो ना तालु से आप बोलोगे ठीक है आगे बढ़े चलो बिल्कुल फास्ट ही है एकदम से फास्ट है अब देखो एक बच्चा बोल रहा है सर साउंड नहीं आ रहा है तो अपना मोबाइल लो और सबसे तो पहले जाओ दुकान पर दौड़ के एकदम से ठीक है ठीक करवा के आओ फिर क्लास देखना है एकदम लेकिन देखना जरूर है ठीक है देखो यहाँ पे ये यह गलत लिखा हुआ है यहाँ पे हम सही बताएं ठीक है ठेके? डायरी विद्या से संबंधित रचना है ठीक है डायरी विद्या तो भाई डायरी है हंसते हुए मेरा आख ये किसकी रचना है तो मलियत जी का किनका है मलियत जी का ठीक है मलय जी का ये रचना है आगे बढ़ते हैं कौन सी कृति उदय प्रकाश जी का है उदय प्रकाश जी का है यहाँ पे दरियाई घोरा क्या है जी दरियाई घोरा आगे बढ़ते हैं अरेवा परेवा उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है तो अरेवा परेवा एक एक तरीके से कभी कहानी संग्रह अरेवा परेवा ठीक है तो एक कहानी संग्रह है याद रखिएगा अरेवा परेवा ठीक है डेली क्लास हाँ जी बिल्कुल डेली क्लास तो होती है ना आपका सात बजे ठीक है सात बजे और आप कितने स्टूडेंट बाकी है सिर्फ और सिर्फ थ्री हंड्रेड और स्टूडेंट बाकी है क्या क्या जी मतलब इतना देर लगा दिए कंप्लीट भी करवाने में आप कैसे हैं सर बिल्कुल अच्छे हैं याद नहीं हो रहा है क्या करें सर बस देखो आप पढ़ते चलो ना देखो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो सेट होते जाता है जैसे आज इस क्लास में आप दि जुरे हो ऐसा थोड़ी है कि आपको हर क्वेश्चन याद हो गया होगा नहीं लेकिन बहुत सारा चीज़ जो है ना मतलब एक तरीके से आपको मतलब आ, क्लियर होते जा रहा होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सड़सठ नंबर उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है उदय प्रकाश है ना उदय प्रकाश जी का यहाँ पे हो जाएगा तरिछ क्या हो जाएगा तरिछ जिसमें पिताजी के बारे में बात करते हैं ठीक है अरे देखो फोर्टी थ्री बोल रहे बार बार कि दो देख लो सर है ना देखो गलत थोड़ी पढ़ा देंगे सिक्सटी सेवन में अभी हम लोग हैं चलो आ जाओ फोर्टी थ्री में आ जाओ देख लो ठीक है तो शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है ठीक है तो भाववाचक संज्ञा परिवार में नहीं है ठीक है बाकी सब में भाववाचक है परिवार चूंकि समूहवाचक हो जाता है उसमें कई सारे लोगों का समूह होता है ना तो वही हो गया ठीक है तो ये सही है एकदम सही है ठीक है अब इतना ये सब में थोड़ी गलत हम पढ़ाएंगे मतलब तो कमाल बात करते हो आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं दांत काटी होना ठीक है दांत काटी होना दांत काटी रोटी होना भाई दांत काटी रोटी होना का मतलब क्या हो जाएगा दांत काटी रोटी होना का मतलब एक तरीके से मित्रता होना ठीक है बहुत घनिष्ठता मित्रता होना ठीक है बहुत घनिष्ठ रूप से मित्रता होना ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक है ऑप्शन नंबर अपने पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगी चलो आगे बढ़े आगे बढ़े जी चलो अगले सवाल पे पे बढ़ते हैं आ, 69 पे, आ, साकार का विलोम क्या हो जाएगा साकार का विलोम हो जाएगा अपने पास आ, निराकार क्या हो जाएगा साकार का विलोम निराकार ठीक है साकार का विलोम निराकार हो जाएगी आगे सवाल में बढ़ते हैं घी के दिए जलाना मुहावरे अर्थ क्या है घी का दिए जलाना ठीक है घी का दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा ठीक है घी का दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई एक तरीके से घी का दिए कब जलता है जब बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा आनंद में हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है ठीक है जैसे कि अभी घी का दिए जलाने का भी ये समय आ चुका है रीज़न आपको पता ही है ना तो कुछ वैसे ही समय चल रहा है तो घी का दिए जलाना मतलब आनंद मनाना ठीक है चलो जी बिल्कुल डेली प्रैक्टिस करवाइए सर इंग्लिश का डेली तो देखो डेली हर सब्जेक्ट का तो नहीं हो पाएगी ना लेकिन आ, हर डेली डेली हर अलग अलग सब्जेक्ट का हम करवाते रहते हैं ठीक है मतलब यहाँ पे इस चैनल पे आपके साइंस साम्राज्य पे दोनों तो पे चलते रहेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रत्यय क्या है जी प्रत्यय क्या है तो प्रत्यय क्या हो जाएगी ठीक है तो प्रत्यय हो जाएगी क्या चीज आ, 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 जो शब्द के पीछे लगा हो हाँ जी प्रत्यय जैसे होता है ना मतलब जैसे देखो उपसर्ग वाला आप नहीं समझ पाओगे अच्छा इस तरीके से बता देते हैं जैसे एक यहाँ पे अपने पास शब्द है ठीक है ये अपने पास प्रत्यय है यहाँ पे कोई मूल शब्द अच्छा सॉरी ये तो उपसर्ग हो गया यहाँ पे प्रत्यय यहाँ पे अपने पास उपसर्ग हो गया और यहाँ पे मूल शब्द तो ये हो गया उपसर्ग ठीक है और यहाँ पे मूल शब्द और इसके बाद जो अपने पास लगता है शब्द इसको कहते हैं प्रत्यय ठीक है मतलब शब्द अच्छा, जो शब्द के पीछे लगता है उसे कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं जय कृष्णमूर्ति क्या थे जय कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे क्या थे एक विश्व शिक्षक थे जय कृष्ण मूर्ति क्या थे एक शिक्षक थे ठीक है आगे बढ़े चलो जी आगे बढ़ते हैं तिहत्तर नंबर बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है बहुत आसान से सवाल है एकदम से जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और फिर हम लोग अभी लगातार 25 क्वेश्चन को एकदम से देखते हुए चलेंगे ठीक है अभी जो है अब जो है लास्ट के पच्चीस क्वेश्चन को, को एकदम से हम देखते हुए चलेंगे बहुत मजा आएगा है ना फटाफट सभी लोग इसका आंसर दीजिए तो जल्दी से ठीक है बढ़े आगे चलो जी बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं यहां पे बचपन में किस वातावरण में आवश्यक है स्वतंत्र वातावरण में ठीक है साम्यवादी किससे लड़ रहा है तो साम्यवादी लड़ रहा है पूंजीपति से किससे लड़ रहा है पूंजीपति से शिक्षा शेषक पाठ क्या है तो शिक्षा शीक्षक पाठ है शिक्षा शास्त्र क्या है एक शिक्षा शास्त्र है आगे बढ़ते हैं शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था शमशेर बहादुर सिंह जी का पत्नी का नाम था धर्म ठीक है इतना भी तेज नहीं करवाए ना आराम आराम से चले तो यहां पे ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी बोल रहे हैं सर पूरा नहीं हो पाया आज का टारगेट कोई बात नहीं क्या जरूरत है बस चलता है बस अपने लोग तैयारी कर रहे हैं ठीक है बस वो तो एक नंबर है बता दिए कि भाई अगर इतना स्टूडेंट रहता है तो चलो ठीक है बहुत अच्छा रहेगा इस क्लास जिस तरीके से क्लास है थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसमें बोलते हैं और ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे वो तो हम जानते हैं कि अभी भी अगर चाहोगे तो कम्प्लीट कर सकते हो ठीक है वो तो हम अभी भी जानते हैं ठीक है यार करना चाहेंगे तो कर सकते हैं अभी हम भी और जगह शेयर कर सकते हैं आप भी कर सकते हो ठीक है ये अपने को आपको भी पता है हमको भी पता है करेंगे किसी और क्लास में अच्छे से ठीक है जब अच्छा और तगड़ा वाला एक क्लास लाएंगे उस दिन ठीक है हालांकि आज भी होगा तो आज भी हम ये पीडीएफ दे ही देंगे वो वो हमारा रहता है कि भाई हम जो बोल दिए हैं वो करेंगे ठीक है तो अगर आज भी अगर पाँच हज़ार स्टूडेंट इस, इस क्लास में कंप्लीट रहते हैं तो ये ये क्लास का पूरा का पूरा सौ क्वेश्चंस का ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे ठीक है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हो एक बार लास्ट में जब एक तरीके से इसका फायदा ये होगा कि जब पूरा क्लास कर लिए आपको पीडीएफ मिला और आप उस सौ क्वेश्चन को एक बार फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग रिवाइज कर लोगे उस पीडीएफ का सब उसमें आंसर के साथ रहेगा ठीक है क्या जी करना चाहते हैं सब लोग चलो एक बार शेयर करते हैं सब लोग पांच सौ ही तो स्टूडेंट है क्या जी चलो जल्दी जल्दी और फिर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था धर्म देवी जल्दी जल्दी सब लोग शेयर वगैरह कर लीजिए चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सतहत्तर नंबर क्वेश्चन कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो देखो प्राण एक ऐसा शब्द है जो कि प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है ठीक है अगले सवाल में बढ़ते हैं हो शब्द का उपयोग सदैव होता है हो शब्द का प्रयोग किस लिए होता है हो शब्द का प्रयोग सदैव जो है बहुवचन में होता है याद रखेगा हो शब्द का प्रयोग प्राय बहुवचन में होता है हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं हिंदी में वचन एक वचन और बहुवचन यानी दो प्रकार के होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं शमशेर

अगले अगले दिन किसी दिन आ, और कुछ एक हम अच्छा वाला क्लास अभी प्लान कर रहे हैं ठीक है थीके? जो आपके लिए जरूरी होगा ठीक है अभी अभी हम लोग पहले इसको कंप्लीट करते हैं ठीक है थीके? जल्दी जल्दी रघुवीर साहब ने किस विषय में एमए किया था ठीक है एमए वो किए थे अंग्रेजी विषय में ठीक है ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर याद रखिएगा अगले सवाल भी बढ़ते हैं जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की थी अपनी आंख की उपमा यानी अपनी आंख की तुलना वो दर्पण से करते हैं जिस प्रकार से दर्पण निर्मल और स्वच्छ है जो वास्तविक दिखाती है वैसे ही वो जैसे हैं वैसे ही अंदर से भी हैं ठीक है ठीके? वैसे भी वो अंदर से ही है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर

जो अक है ना यही अक प्रत्यय है मतलब जो शब्द के अंतिम में लगा यही मूल शब्द है मूल शब्द के अंतिम में लगा इसी को तो प्रत्यय कहते हैं दिन का विशेषण क्या हो जाएगा तो दिन का विशेषण अपने लोग का दैनिक हो जाएगा दिन का विशेषण दैनिक ठीक है दिन का विशेषण क्या चीज दैनिक आगे बढ़ते हैं अठासी नंबर सूरदास की रचनाओं का भाषा क्या है सूरदास की रचनाओं का भाषा हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या है ब्रज भाषा। सूरदास की रचनाओं का भाषा है ब्रज भाषा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजे थे तो भगवान श्री कृष्ण को सूरदास जी बहुत दिलोजान से चाहते थे और वही सूरदास जी हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण सूरदास के जो है ना पूज थे आगे बढ़ते हैं तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था तुलसीदास जी के पत्नी का नाम था रत्नावली क्या था रत्नावली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी आगे बढ़ते हैं तुलसीदास जी कैसे कभी माने जाते हैं तुलसीदास जी माने जाते हैं समन्वयवादी कैसे कभी माने जाते हैं समन्वयवादी कभी माने जाते हैं याद रखेंगे यह सवाल आपको याद रहेगा ठीक है क्लियर याद रखना है यह सवाल ठीक है आगे बढ़ते हैं 92 तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे तो तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु थे वो कौन थे तो से, आ, से सनातन बिल्कुल हो जाएगा भूषण तो जी का छतर साल दशक जी का, का उपयुक्त भी ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक है नाइन्टी देखो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे चिंतामणि त्रिपाठी जो भूषण के कौन थे भाई थे ऑप्शन हम लोग कांसर नाइन्टी देखो पुत्र शीर्षक

ठीक है आगे बढ़ते हैं नाइनटी सेवन नंबर क्वेश्चन प्यारे बेटे को कविता ने में कविता में लोहा किसका प्रतीक है तो लोहा जो है कर्म का प्रतीक है जो हर मेहनत करने वाली औरत लोहा है ना बोला भी गया हर एक मेहनत करने वाला हर एक दबी कुचाई औरत महल लोहा है है ना बोला भी गया था चैप्टर में यथाशक्ति कौन सा समास है देखो यथा और शक्ति यहां पे क्या है यथा जोर शक्ति है ना यथा जोर शक्ति का बात किया गया है तो यहां पे यथा जोर शक्ति यानी दो शब्द है यानी ये पहला क्या लगा उपसर्ग लगा और जिस समास में सबसे प्रथम पद उपसर्ग हो वो हो जाता है अव्ययी भाव समास क्या हो जाता है अव्ययी भाव समास ठीक है आगे बढ़ते हैं वे उत्सव मना रहे हैं इसमें वे किसके लिए आए हैं वे उत्सव मना रहे हैं इसमें वे जो है किसके लिए आए कौन उत्सव मना रहे हैं भाई नागरिक लोग उत्सव मना रहे हैं ठीक है ठीके? मतलब एक तरीके से कौन नागरिक लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जनता लोग उत्सव मना रहे हैं ठीक है सौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सौ नंबर क्वेश्चन है हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है हारजित शीर्षक कविता के कवि कौन है हारजीत के जो है अशोक वाजपेयी है कौन है अशोक वाजपेयी जी हैं हारजीत के रचित ठीक है तो हारजी कविता के कवि हो जाएंगे अशोक वाजपेयी ठीक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्लियर और आपको पता है हिंदी का जो है ना क्वेश्चन बैंक हिंदी का क्वेश्चन बैंक हम अच्छे से करवा चुके हैं आप लोगों के लिए ठीक है हिंदी का क्वेश्चन बैंक आप लोग को करवा चुके हैं 2009 से लेकर 2023 तक के हर एक प्रश्न को करवाए हैं तो आप जाके चैनल पे देख लेना में भी हम लिंक दे दिए हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं हिंदी का प्ले का ठीक है हिंदी के प्ले में आप जाओगे और सबसे नीचे जाना ना तो आपको मिल जाएगा उसमें हम ही जैसे कि यहाँ पे देख ले रहे हैं कि वहां पर आप सबसे नीचे जाओगे तो आपको कुछ अच्छा वो हिंदी का एक प्ले हम बना दिए हैं ठीक है एक प्ले हम बना दिए हैं आप चैनल के अंदर जाओ और उसमें आपको मिल जाएगी ठीक है या फिर सर्च करोगे क्वेश्चन बैंक वाई एजुकेशन बाबा यूट्यूब पे ही नॉर्मली ठीक है तो आपको मिल जाएगा हमारा हिंदी का वो प्लेलिस्ट ठीक है तो उसको जरूर से कर लेना सभी लोग के लिए हिंदी का ये क्वेश्चन बैंक करना जरूरी है ठीक है एक और बात हम बोलेंगे देखो एग्जाम का सेशन जो है बहुत करीब आ चुका है एक बात का आप ख्याल रखना कि एक ही चीज को बार बार रिपीट मोड पे मत करते रहना ठीक है कि मतलब आपका समय आपका सब कुछ बर्बाद हो यानी कहने का ये मतलब कि आप जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको हम चैप्टर वन पढ़ा दिए ठीक है हिंदी का चैप्टर वन पढ़ा दिए हैं एक बार ठीक है उसी चीज़ को आप एक दिन पहला दिन पढ़े फिर दूसरा दिन पढ़ रहे हो तीसरा दिन पढ़ रहे हो चौथा दिन पढ़ रहे हो डेली डेली आज आज हमसे पढ़ लिए कल उनसे पढ़ लिए परसों उनसे पढ़ लिए अल, अलग अलग टीचर से जो पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा और एक ही चीज़ को बार बार करोगे तब समय नहीं है ना अगर मान लो अगर यही चीज़ आपको पढ़ा दिए ना अगर दो से दो तक अगर क्वेश्चन बैंक करवा दिए तब ये करवा दिए ठीक है ये करवा दिए अब इसके बारे में और कहीं सोचना ही मत कि भाई क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे अब उससे पढ़ेंगे हिंदी का है ना तो वो सब चीजें हो गई इसमें सारे क्वेश्चन करवा दिए ठीक है तो ऐसा है और जो जो क्वेश्चन उसमें कुछ ग्रामर का क्वेश्चन वो हम इधर उधर ले लेके सब करवा दे रहे हैं ठीक है सब हो जा रही है तो आपको एक तरीके से इसमें कंप्लीट है ठीक चलो जी ठीक है और इसका तो हम पीडीएफ भी पूरा का पूरा दे चुके थे लेकिन वीडियो जब देखोगे ना तो उससे बहुत सारे और नया नया क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं तो वो सब भी आपको मिल जाएगी ठीक है और हालांकि आज तो इसका पीडीएफ हम दे ही देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ज्वाइन करना नहीं टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करोगे बहुत सारा फेक चैनल भी है ठीक है तो जो ऑफिशियल चैनल है उस भी मिलना है ये भी आप ध्यान रखो ठीक है तो आप क्वेश्चन बैंक हर एक स्टूडेंट जाके कर लेना इसका और सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक करवाते हैं ठीक है और अंतिम का दस दिन जो बचेगा अभी से पंद्रह से लेके बीस तक हम सब कुछ करवाते हैं और ऐसा समझ लो कि अंतिम का दस दिन कुछ और अलग अलग चीज आने वाली है चैनल पे ठीक है जितने भी नए बच्चे रहेंगे सभी लोग जुड़ के रहना ठीक है बहुत कुछ तगड़ा आपके लिए आने वाला है ठीक है पीडीएफ आज आपका मिल जाएगा मैं पचपन दोस्त पर शेयर किया सर बहुत थैंक यू है ना विक्रम और आगे बढ़ते हैं ठीक है क्लियर चलो ये ना तुम लोग का आदत हो गया है सर कि वो क्वेश्चन देख लीजिए वो क्वेश्चन देख लीजिए वो आदत हो गया है ठीक है भूषण जी का ये सभी है सेवा वावनी छत्तर साल दशक और शिवराज भूषण ये सभी भूषण जी की कृतियां हैं अब बोलो 92 टू देख लीजिए सर ठीक तो है आगे बढ़ते हैं चलो सब ठीक है ठीक है भरोसा रखो आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे ठीक है ठीक ना क्लियर तो अच्छे से मस्त पढ़ाई करिए ठीक है अभी जो है लास्ट समय बाकी है कम समय बाकी है और इसमें आपको अपने बेहतरीन तैयारी की पूरा कोशिश करना है, है ना तो ये जो लास्ट समय आपके एग्जाम के लिए बाकी है इसमें आप बेहतरीन तैयारी करिए इसके लिए आपको रोजाना पढ़ना होगा अच्छे से मेहनत करनी होगी है ना देखो कुछ चीज़ आप पाना चाहते हो तो अभी वही समय है कुछ चीज़ आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी है ना कुछ चीज़ को खोना पड़ेगा है ना तो अब कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करिए अपने नींद को अपने उन सारी चीज़ों को जो आपको पढ़ाई से रोकती है उन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करिए और पढ़ाई पे प्रॉपरली ध्यान दीजिए कम समय बाकी है ठीक है और हम इसी के साथ आज के इस क्लास को ख़त्म करते हैं अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में ठीक है और कल मिलेंगे शाम सात बजे याद से जुड़ जाना और तब तक के लिए